हेलो दोस्तों, आपका इंडिपेंडेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने सेहत के प्रति सजग होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि आज से 2-3 दिन बाद आपको स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स का एक नया वीडियो मिलेगा और उसमें टॉप 5000 स्टैटिक जीके और मंथली करेंट अफेयर आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को बहुत सराहेंगे, देखेंगे और अपने दोस्तों तक सर्कुलेट करेंगे। तो दोस्त, समय बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील है। मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि आपको टॉप 500 MCQ DSS का प्रोवाइड मैं करूँगा। तो आज उसका पार्ट 2 है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का था दोस्तों, जो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। इंट्रोसिस बेंडिंग मूवमेंट एट इच पॉइंट इच, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम, ऑप्शन नंबर सी जीरो, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करें और देखें कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि एक टेस्ट ही ऐसा चीज़ होता है क्योंकि आपकी तैयारी को असेस करेगा, क्योंकि आपका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर खुद को असेस नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में आप सफलता नहीं पा सकते हो। तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर दोस्तों। लाइव क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, लाइव लोड विद द टाइम कैन वेरी इन, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी नीदर पोजीशन नॉट मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर डी पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जो आपको सही उत्तर लगता है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करें और देखें कि आप कितना नंबर बन रहा है इसमें। टॉप 15 क्वेश्चन मैं इसमें लाया हूँ। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, अ कंपोजिट बीम इज कंपोज ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप्स, वन ऑफ ब्रास एंड अदर ऑफ स्टील, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर यू हैव टू डील विथ। ऑप्शन नंबर ए स्टील एक्सपीरियंस टेंसाइल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी ब्रास एक्सपीरियंस कॉम्प्रेसिव फोर्स, ऑप्शन नंबर सी कंपोजिट बीम गेट डिफ्लेक्टेड टू कपल, ऑप्शन नंबर डी जो सी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी कर देंगे दोस्तों कंपोजिट बीम बेंड्स, एंड ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल इसका कमेंट करें, देखें कि आपका आपको पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो आपको सीखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ डी ऑल ऑफ दीज एवव ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, इफ द डेप्थ ऑफ गिटर इज मोर देन 750 mm, इट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए सैलो प्लेट गिटर, ऑप्शन नंबर बी डीप प्लेट गिटर, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी डीप प्लेट गिटर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फिलेट बेल्ट इज के टाइम्स द साइज ऑफ बेल्ट फॉर अ 91-100 degree एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस के इज, ऑप्शन नंबर ए 0.7, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0.65। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करना मत भूलें। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 0.65। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, फॉर पुलिंस एंड गर्ड्स सब्जेक्टेड टू लाइव लोड विंड लोड सब्जेक्टेड ऑन इलास्टिक क्लैडिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज लिमिटेड टू, ऑप्शन नंबर ए स्पैन बाय 180, ऑप्शन नंबर बी स्पैन बाय 150, ऑप्शन नंबर सी स्पैन बाय 170, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एवव। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करें, ऑप्शन नंबर बी स्पैन बाय 150। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द डायमीटर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए कोल्ड रिवेट बिफोर ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर बी रिवेट आफ्टर ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर सी रिवेट होल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रिवेट आफ्टर ड्राइविंग।
क्वेश्चन नंबर जो 18 है दोस्तों, स्पैन ऑफ कंटिन्यूस फीलर्स आर कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अप्रोप्रिएटली इक्वल इफ द लॉन्गेस्ट स्पैन डज नॉट एक्सीड द शॉर्टेस्ट स्पैन बाय ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी 20%। जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बताना मत भूले, क्योंकि आप देखें कि आपका कितना सही बन रहा है। तो जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15%। हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं दोस्तों। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ बोथ एंड, ऑप्शन नंबर ए एल, ऑप्शन नंबर बी 0.67L, ऑप्शन नंबर सी 0.8L, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही उत्तर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का 0.67L। क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्तों, द रिवेट विच आर हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड आर नोन एज, ऑप्शन नंबर ए पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, ऑप्शन नंबर बी पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ऑप्शन नंबर डी हैंड ड्रिवन रिवेट, ऑप्शन नंबर डी कोल ड्रिवन रिवेट। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करें और देखें कि आपके कितना नंबर आपका बन रहा है, आप क्या अचीव कर पा रहे हो इसमें, इस 15 ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि मैंने जो वादा किया है 500 MCQ का, मैं वो वादा को बिल्कुल पूरा करूंगा। तो आप क्योंकि ऐसे ही वीडियो को अप्रिसिएट करते रहे, प्रशंसा करते रहे, और देखिए जो हमें कमियां हैं हमें बिल्कुल बताएं, क्योंकि कमियों को आप बताएंगे तभी हम लोग उस कमियों को सुधार कर सकेंगे। तो जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट लैप इज ज्वाइंट रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज इक्वल टू इट्स, ऑप्शन नंबर ए शेयरिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी बियरिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी टीयरिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर डी लिस्ट ऑफ ABC, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटेस्ट ऑफ ABC। तो जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लिस्ट ऑफ ABC। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, इन केस ऑफ कैंटिलीवर फिलर्स द रेशियो ऑफ स्पैन एल टू द डेप्थ डी शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 16, ऑप्शन नंबर ई 20। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पांच ऑप्शन ऐसे दो सवाल आ चुके हैं जिसमें पांच ऑप्शन है, जनरली चार ही ऑप्शन रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको पांच ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16, दैट इज 16। एक अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, अस्ट्रट इज ऑप्शन 23, अस्ट्रट इज अ टेंशन मेंबर, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्रेशन मेंबर, ऑप्शन नंबर सी कॉलम, ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सुरल बीम। सही उत्तर है दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट करें, देखें कि आपको पता है या नहीं, ये आसान क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या है, होगा ये 23 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्रेशन मेंबर। और 24, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, अ टाई इज अ टेंशन मेंबर, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्रेशन मेंबर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिज। तो 24 का दोस्तों बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, देखें कि आपका सही उत्तर आ रहा है आपका कि नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर ए टेंशन मेंबर, टाई इज अ टेंशन मेंबर। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड फॉर 35 mm प्लेट इज, ऑप्शन नंबर ए 3 mm, ऑप्शन नंबर बी 5 mm, ऑप्शन नंबर सी 6 mm, ऑप्शन नंबर डी 8 mm। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8 mm। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ सर्कुलेट करें, और दोस्तों को बताएं कि एक ऐसा चैनल है जो आपको SSC JEE की प्रिपरेशन में नया मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक भी करें। तो आपका जो भी तैयारी हुआ, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको सर्वेइंग मिलेगा, इस पर
आपको फिर से बिल्डिंग मटेरियल की जो भी मटेरियल जो भी नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं पहले ही आपको एक अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि स्टैटिक जीके इस पे मिलेगा आपको टॉप स्टैटिक जीके। तो मैंने ये भी बता दिया कि टॉप 5000 स्टैटिक जीके जो एसएससी जेई से जो रिलेवेंट होगा और मंथली करेंट अफेयर्स वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो एक ही चैनल पर आपको जो सारे जो मटेरियल हो गए सारे मटेरियल को अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल को बजाना है और क्या करना है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में सर्कुलेट कर देना है। क्योंकि आपको पता चले, आपको ज्ञान हो और ये अच्छा है, एक अच्छी दोस्ती होती है कि आपको दोस्तों को भी एक अच्छा नॉलेज मिल जाए तो सबसे अच्छा चीज़ होगा और ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी सभी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आप अपना कमेंट अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका फीडबैक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा दोस्तों। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।